बेसिक के साथ नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। बड़ी खबर रायपुर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री 1:47 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रायपुर एयरपोर्ट से कोरबा के लिए रवाना होंगे। कोरबा में महा सर्व मंगला के करेंगे दर्शन। इंदिरा प्रिय दर्शनी स्टेडियम में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे अमित शाह। शाम 5:30 दूरी के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। बता दें कि चुनाव आने वाले हैं, और ऐसे में जो है बीजेपी, जो कि विपक्ष के रूप में दिखती है छत्तीसगढ़ में, तो बीजेपी के कई आला नेता जो अब सतर्क हो गए, और उसी के साथ जो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। 1:47 पर रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है कोरबा के लिए रवाना हो जाएंगे। कोरबा में गृह मंत्री मां सर्व मंगला के दर्शन करेंगे। इंदिरा प्रिय दर्शनी स्टेडियम में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे अमित शाह। शाम 5:30 दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ इस खबर पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ दौरा है, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम के लहजे में ठंड पड़ते जा रही है, लेकिन आरक्षण और धर्मांतरण के मामले को लेकर प्रदेश में सियासत काफी गर्म है, और इसी गर्मी को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। दरअसल छत्तीसगढ़ की 2 लोकसभा सीटें हैं, कोरबा और बस्तर में, कोरबा लोकसभा सीटों में बस्तर और कोरबा में हार का सामना करना पड़ा था भाजपा को। अमित शाह शनिवार को दोपहर 2 बजे मतलब आज रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और वहां से सीधा एयरपोर्ट से कोरबा के लिए रवाना होंगे। कोरबा में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कोरबा में सबसे पहले तो अमित शाह मां सर्वमंगला के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इंदिरा प्रिय दर्शनी स्टेडियम में आम सभा को भी संबोधित करेंगे, और जश्न रिसोर्ट में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, और शाम 5:30 दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना होंगे। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने बोला मौसम तो सही नहीं है, मगर वो भी एक बड़ा एक कह सकते हैं कि मामला है कि अगर मौसम सही नहीं है, जैसा कि हमने देखा कि पिछले कुछ दिन पूर्व जो है बारिश हुई थी, और ऐसे में आज जब इनका दौरा है तो बड़ी संख्या में जो है जन सैलाब नजर आएगा, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है इनके जब ये बातचीत करेंगे तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है, और मौसम के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी देखिए, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, तो उसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, और आम सभा को भी संबोधित करेंगे। उस पर छत्तीसगढ़ के पूरे भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, और पुलिस की कड़ी सुरक्षा भी की गई है। देखिए मुख्यमंत्री, पहले केंद्रीय मंत्री को बिलासपुर जाना था, लेकिन वहाँ लेट नाइट हेलीकॉप्टर की वो नहीं है, तो इस वजह से केंद्रीय मंत्री रायपुर से सीधे एयरपोर्ट के अंदर से ही बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से सीधे कोरबा के लिए रवाना होंगे। वहां पर पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और 10 दिनों पहले से भाजपा के पदाधिकारी तैयारियों में जुट गए थे। जी, कोरबा की जनता में कितना उत्साह है गृह मंत्री के आगमन को लेकर? कितनी उत्साहित है जनता, कितना उनका जो है इंतजार में है? देखिए 4 महीने में ये अमित शाह का दूसरा दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 महीने में दूसरा दौरा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को रायपुर पहुंचे थे। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों के मन में उत्साह है, और एक भीड़ भी उमड़ेगी। जिस तरह से वहां सुरक्षा की गई है और जिस तरह से पंडाल वगैरह बनाया गया, उसको देखकर लग रहा है कि भीड़ अच्छी खासी उमड़ेगी, और अभी भी वहां पर लोगों का आना शुरू हो गया है, और पूरे प्रदेश के पदाधिकारी भी पहुंचेंगे, उनके कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी आम सभा रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम रायपुर से, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। कुछ ही समय बाद जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और शाम को वापस उनकी रवानगी दिल्ली के लिए हो जाएगी। इस दौरान उनके जो भी कार्यक्रम है, जो भी उनका शेड्यूल है, हमारे संवाददाता ने आपको बताया, और
दूसरी बार दौरा है ये चार महीने में। जनता भी काफी ज्यादा उत्साहित है उनके आगमन को लेकर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। आज लगभग 2 बजे के करीब अमित शाह जो है रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद कोरबा में मां सर्वमंगला के दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है इंदिरा प्रिया दर्शनी स्टेडियम में आम सभा को संबोधित करेंगे। लोगों से बात करने का जो प्रयास है वो करेंगे। आगामी चुनाव के मद्देनजर जो है लगातार दोनों ही पार्टियां, चाहे बात पक्ष की करे या विपक्ष की करे, दोनों ही काफी अलर्ट और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और उसी के तहत जो है बीजेपी ने भी इस बार अपनी कमर कस ली है। लगातार पार्टी के बड़े नेताओं का दौरा देखने को मिल रहा है।